हेलो गाइस, वेलकम टू माय अमेजिंग कार। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ग्रैंड i10 2019 मॉडल। ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है, ये टॉप से एक नीचे आता है वेरिएंट, इसके ऊपर स्पोर्ट्स प्लस वेरिएंट आता है, एस्टा वेरिएंट जिसे हम कहते हैं। चलिए इसका रिव्यू शुरू करते हैं। कार में कुछ इस तरीके की हेडलाइट्स आती है, या हेलोजन बल्ब मिलते हैं आपको, टर्न इंडिकेटर के भी, ह्यूंडई का लोगो, कुछ इस तरीके की आपको ग्रिल प्रोवाइड की गई है यहाँ पर। ये 2019 मॉडल है, इसमें आपको DRLs भी प्रोवाइड किए गए हैं और फॉग लैंप्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। आइए कार का साइड में चलते हैं। कुछ इस तरीके का आपको टायर देखने को मिलता है। इसके ऊपर जो वेरिएंट आता है एस्टा मॉडल, उसमें आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको 14 इंच का कुछ इस तरीके का अलॉय व्हील्स मिलता है। कार के टर्न इंडिकेटर आपको कांच पर प्रोवाइड किए गए हैं, साइड ग्लासेस पर। बॉडी कलर हैंडल आपको डोर हैंडल प्रोवाइड किए गए हैं, साथ ही साथ डोर की क्लैडिंग भी देखने को मिलती है। आइए कार के पीछे की तरफ चलते हैं। कार का कुछ इस तरीके से लुक है पीछे से। टेल लैंप में भी आपको हेलोजन बल्ब भी मिलते हैं, यहाँ पर इंडिकेटर बल्ब, पूरा जो सेटअप है, स्पोर्ट्स की बेजिंग, साथ ही साथ ग्रे डाइटिंग की बेजिंग भी आपको देखने को मिलती है। कार का लुक आप देख सकते हैं पीछे से। 360 डिग्री इसमें कैमरा नहीं आता है, पर रिवर्स पार्किंग कैमरा ज़रूर मिलता है इसमें। एक रिक्वेस्ट सेंसर है अंदर, जिससे आपका बूट ओपन कर सकते हैं। बूट स्पेस इतना प्रोवाइड किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कार में बेस ट्यूब रखा गया है, पार्सल ट्रे भी अवेलेबल है इसमें, आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट में पार्सल ट्रे भी देखने को मिल जाती है। ये रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं आपको पीछे। दो सेंसर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। आपको हाई स्टॉप लैंप भी प्रोवाइड किया गया है, डिफॉगर्स कांच पर देखने को मिल रहे हैं, एक एंटीना और पेट्रोल टैंक आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड। तो चलिए अब कार को अंदर से हम एक्सप्लोर करते हैं कि कार अंदर से देखने में कैसी है। ड्राइवर साइड डोर पर आपको जो फंक्शंस मिलते हैं, सबसे पहला आप ऑटोमेटिक फोल्डेबल आपको यहाँ पर ORVMs मिलते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाते हैं एक ही स्विच से। आप इसके जस्ट पास में आपको सेटिंग्स मिल जाती है और पावर विंडोज के बटन्स मिल जाते हैं। बॉटल होल्डर और स्पीकर्स भी प्रोवाइड किया गया है आपको। सो गाइज, हम कार के अंदर आ चुके हैं। कार के स्टेयरिंग पर आप जैसे कि देख रहे हैं, इधर आपको वॉल्यूम से रिलेटेड कंट्रोल मिल रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड। आप म्यूट वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। कॉल यहाँ सर आप रिसीव कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। यहाँ से आप आपके कंसोल की ट्रिप की सेटिंग और रिसेट कर सकते हैं। यहाँ से आप मोड्स चेंज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का आपको कंसोल मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको वाइपर रिलेटेड कंट्रोल्स एंड राइट हैंड साइड में आपको हेडलाइट से रिलेटेड कंट्रोल मिलते हैं। यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। कुछ इस तरीके का आपको डिस्प्ले मिलता है, इसमें आपको एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है, साथ ही साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी इसमें मिल जाती है आपको। यहाँ से कुछ साथ ये आपको बटन्स दिए गए हैं म्यूजिक प्लेयर से रिलेटेड, हेजार्ड लाइट का स्विच। इस ये जो वेरिएंट है, इसमें की स्टार्ट आता है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं आते। मैनुअल आप एडजस्ट कर सकते हैं डे नाइट मोड पर, रिवर्स व्यू मिरर को। ये ग्लव बॉक्स चेक करते हैं, ग्लव बॉक्स में कुछ इतनी जगह स्पेस है अभी। चारों पावर विंडो स्विचेस मिलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको मैनुअल AC प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। डिफॉगर्स भी इसमें अवेलेबल है। नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, ऑक्स केबल और आपका पेन ड्राइव लगाने की जगह म्यूजिक सिस्टम के लिए। कुछ इस तरह का गियर लीवर आपको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर कुछ ऐसी स्पेस, हैंड ब्रेक, सनवाइजर्स, ड्राइवर साइड सनवाइजर है, पैसेंजर साइड सनवाइजर पर आपको एक मिरर देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक माइक भी प्रोवाइड किया गया है, अगर आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो। ये कुछ लाइट्स। चलिए कार के पीछे चलते हैं और पीछे देखते हैं कार में कितना स्पेस है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, हम कार के पीछे आ चुके हैं। कार के पीछे भी आपको एसी के वेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। कुछ इतनी स्पेस मिल रही है, ये मेरे अकॉर्डिंग सेट की है मैंने ड्राइवर सीट। अच्छी खासी स्पेस है इसमें, तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पर। आपको ग्रैब हैंडल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। पीछे भी आपको पावर विंडो के स्विचेस और बॉटल होल्डर्स, साथ ही साथ कार में आपको चार स्पीकर्स और चार ट्विटर्स मिल जाते हैं। सो ये था गाइज ग्रैंड i10 का रिव्यू। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।